जिस दिन हमें जान जाओगे हमारे वसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा। जिस दिन हमें जान जाओगे हमारे वसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम हार जाओगे, जरूरी नहीं कि हम हार जाएंगे दोस्त, अगर कोशिश नहीं की तो पछतावा रह जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो असम राइफल की भर्ती देख रहे हैं या फिर आगे देखने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सबसे पहले आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि लगातार अभी कुछ दिन से पहले वीडियो नहीं आ रही थी, दस दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, किसी कारणवश मैं आउट ऑफ स्टेट था और कई कारण थी जिसके कारण से वीडियो नहीं आ रही थी। मैं आप सभी का मैसेज पढ़ रहा था, कॉल भी अटेंड कर रहा था, लेकिन हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। दोस्तों देखिए आज का जो वीडियो है आगे आप सभी के लिए, उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके मेरिट लिस्ट के बारे में। देखिए आप सभी का जो है कि कई मैसेज भी आ रहा था, कॉल भी हम अटेंड कर रहे थे, सभी लोग एक ही कह रहे थे कि सर हमारा मेडिकल हो गया है और सबका लगभग मेडिकल हो चुका है। आज 4 तारीख है, कल तक उत्तर प्रदेश वालों का कल लास्ट मेडिकल है, उसके बाद सारा मेडिकल खत्म हो गया। ठीक है, ये वीडियो है जो सभी के लिए है, चाहे वो कलर के हो, चाहे ट्रेड्समैन के हो, चाहे किसी भी असम राइफल में जो भी फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए हैं, मेडिकल दे दिए हैं, सब कुछ फिट है, मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है, सभी के लिए। क्योंकि देखो देखिए दोस्तों जो मेरिट लिस्ट आएगा वो सभी का एक साथ आएगा। इससे पहले एक बार बात हुई थी जब भर्ती रुक गई थी, उस समय एक बात हुई थी कि जो कि जिनका जिनका मेडिकल हो गया उनको उनका मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए, उनको सिलेक्शन दे दिया जाए। लेकिन फिर से जब भर्ती स्टार्ट हो गई है तो फिर से कहना है डिपार्टमेंट का कि अब जो आएगी मेरिट लिस्ट आएगी वो एक ही बार आएगी। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, एक बार और भी मेरे पास एक नोटिस आया था, मैसेज आया था, तो हम उसके लिए हम वीडियो बनाए थे कि अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सभी लोगों के लिए। और देखिए जिस दिन भी मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, वो हम अभी डेट बताते हैं कब तक आएगा, जिस दिन भी मेरिट लिस्ट आएगा सभी लोगों का एक साथ आएगा, चाहे वो क्लर्क वालों का हो, चाहे वो कुक ट्रेड वालों का हो, चाहे सफाई कर्मी का हो, चाहे किसी भी ट्रेड का हो, सारे लोगों का एक ही दिन मेडिकल आएगा, एक ही दिन मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, वहां पे आपको लिखा रहेगा, अगर आपका मेरिट में नाम है तो नाम सबका आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा लो इन मेरिट, जिनका भी सिलेक्शन नहीं होगा उनका लो इन मेरिट करके लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोने में आपका या तो सिलेक्टेड लिखा होगा या फिर लो इन मेरिट लिखा होगा, जिनका भी लो इन मेरिट लिखा हुआ होगा वो समझ लेंगे कि आप इस भर्ती में पास नहीं हो पाए हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है। देखिए लिस्ट जो निकलेगा पूरा, जितने भी लोग मेडिकल दिए हैं सभी का आएगा, नाम आएगा उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा आएगा। उसके बाद आप लोग का एक कॉलम होगा, जो अंतिम कॉलम होगा वहां पे आपको लो मेरिट या फिर सिलेक्टेड लिखा रहेगा। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए भी होंगे वो पोस्ट लिखा रहेगा और आगे लिखा रहेगा सिलेक्टेड। ठीक है, इस तरह क्या आएगा, सभी का हो गया कि मेडिकल मेरिट एक ही दिन आएगा सबका, जिस दिन भी आएगा सारा स्टेट वाइज, हो सकता है कि स्टेट वाइज अलग अलग दे मेरिट। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज भर्ती था तो स्टेट वाइज अलग अलग भर्ती मेरिट भी दे सकता है, लेकिन आएगा एक ही दिन आएगा, 1 से 2 दिन लगेगा भेजने में, ऑफलाइन अगर आएगा तो 1 से 2 दिन लगेगा भेजने में, लेकिन उम्मीद है कि एक ही दिन मेडिकल मेरिट लिस्ट आना चाहिए। अब बात आती है जो सबसे बड़ी बात है, जो दोस्तों इसको अभी आप लोग कॉल भी कर रहे थे, कई लोगों ने कॉल किया, अभी तो कुछ लोग तमिलनाडु से भी कॉल किए थे, आज के दिन ही कॉल किए थे कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगा। ठीक है, उनकी बात समझ में नहीं आई, तमिलनाडु से कहे थे, लेकिन इतना बात जरूर समझ में आ गया कि उन्होंने कहा, पूछ रहा था हमसे कि मेरिट लिस्ट कब आएगा असम राइफल का। तो देखिए दोस्तों 5 तारीख जो था, 5 मई लास्ट में मेरिट लिस्ट होगा, मेडिकल होगा कल, ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों का, उसके बाद सारा मेडिकल खत्म हो गया है। ठीक है, 2 दिन चलेगा उनका भी मेडिकल, 5 से 7 तारीख तक चलेगा, उसके बाद उनका मेडिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं ज्यादा टाइम लगेगा बता देते हैं, क्योंकि जिनका भी मेडिकल हो चुका है उनका मेरिट लिस्ट बन चुका है, जो भी बच्चे मेडिकल फिट हैं, इससे पहले जो भर्ती चल रहा था जनवरी में जिनका मेडिकल हुआ था, उससे पहले वाला सभी लोगों का क्या है कि मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब जो मेडिकल अभी चल रहा था कुछ 20-25 दिन से, उनका खाली मेरिट बनाना बाकी रह गया होगा, बाकी सबका मेरिट बन के तैयार है, चाहे वो क्लर्क वाले हों, चाहे वो कुक वाले हों, चाहे वो वाटर कैरियर हों, सभी का जो है बन के रेडी हो गया था, सिर्फ कुक वालों का कुछ ही स्टेट्स का बचा हुआ था, क्योंकि कुछ ही स्टेट का था, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन्हीं स्टेट्स का जो था कि बाकी था बनाने के लिए। तो अब इनका भी अभी जो भी अभी जाएंगे यहाँ पे मेडिकल दिए होंगे उनका बनाने में जितना समय लगेगा मुश्किल से, क्योंकि आप भी देखे होंगे कि इनका जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट है,
मेडिकल भी जल्दी हुआ, एग्जाम भी जल्दी हुआ और प्रोसेस भी जो फटाफट हो रहा है। तो इस हिसाब से जो इनको मेरिट लिस्ट बनाने में जो समय लगना चाहिए 10 से 15 दिन का समय लगेगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगेगा। आप देखिएगा, इससे पहले भी हम जो अनुमान बताए थे आप लोगों को वो बिल्कुल लगभग सही रहा है और अभी भी बता रहे हैं आप लोगों को कि जो मेडिकल लिस्ट है आप लोगों को मई से पहले आ जाएगा, अंतिम मई से 25 मई से लेकर 30 मई के अंदर अंदर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बता रहे हैं, ठीक है, मेडिकल के लिए नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बता रहे हैं कि 25 से 30 मई तक आप लोगों का ये जो है मेरिट लिस्ट है जो कंफर्म आ जाएगा आपका। आप देख लीजिएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, आगे लिखा रहेगा सिलेक्टेड, जिस पोस्ट के लिए भी आपका रहेगा। एक सैंपल भी आया था इससे पहले वाला भी, उसमें आप देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपका है आपका पहले नाम लिखा रहेगा, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो अधिक नंबर लाया है उसका अधिक उसका ऊपर हो गया है। ये भी आप लोगों का डाउट था कि सर मेरा जो मेडिकल का लिस्ट आया था उसमें मेरा नाम नीचे है, तो मेरा नाम नीचे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका अगर नाम नीचे है तो आपका एग्जाम में नंबर कम आया, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होता है, जब भी आप फिजिकल दिए होंगे, जब फिजिकल पास करके आए होंगे, बैठे होंगे फील्ड में, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो रहा था फील्ड में, कंप्यूटर में रजिस्टर होता, वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये इसमें भी कंफ्यूज थे कि सर मेरा तो जो नाम है वो सबसे नीचे है तो मेरा मेडिकल में तो नाम ही नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, मेडिकल में ऐसा किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल में जिनका मेरिट लिस्ट मेडिकल में जिनका लिस्ट में नीचे नाम था उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए 4 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हर स्टेट से, ठीक है, जनरल में 1 बच्चे अधिक सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो, सब जगह में 1 बच्चे एक्स्ट्रा लिए गए थे जनरल के। अगर 4 गुना बच्चे लिए गए हैं, अगर 1 सीट है 4 बच्चे लिए गए हैं जनरल के, तो वहां पे जनरल के 5 बच्चे लिए जा रहे थे, ठीक है, ये बात था। अब हो गया कि वो जो लिस्ट आप लोगों का जिसका नीचे नाम है आपको बता दिए कि आप सीरियल वाइज लिया गया था। जब भी आपका फिजिकल हुआ होगा तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में वहां पे आप लोगों का नाम रजिस्टर्ड किया जा रहा था, जिस हिसाब से आप वहां पे दिए हैं उसके बाद जो बच्चे पास किए हैं इसमें रिटर्न में उस हिसाब से उसमें दिया गया सीरियल नंबर, ठीक है। इसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम नीचे है तो मेरा नाम आएगा ही नहीं, हम मेडिकल फिट होकर भी क्या करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप मेडिकल फिट हैं तो आपका अगर मेडिकल फिट है, अगर नंबर आपका पेपर में अच्छा आया है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और ये किसी भी फेरा में ना पड़े कि सर मेरा वहां पे तो सर सेटिंग चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी सेटिंग नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं मेरे पास कि सर वहां पे सेटिंग चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सर वहां पे सब कुछ अच्छे तरह से चल रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कम से कम ये नीचे कमेंट करें, और आपका भी जो भी दुख तकलीफ है नीचे कमेंट करें, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। और दोस्तों एक बात और, आप अगर चैनल पर नया आ रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे इसके बाद जो भी भर्ती आने वाली है आप लोगों की, चाहे वो BSF की हो, चाहे CSF की हो, और SSC GD की जो भी फिजिकल है, सारे कुछ का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों सारे चीज का अपडेट आपको मिलेगा, BSF का एडमिट कार्ड कब आएगा, BSF का जो भर्ती होगा कब से स्टार्ट होगा, सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। जितना भी डिफेंस का एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, सारा कुछ का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।